तीन में से मणिपुर जग रहा है। हुकूमत एक वहाँ पर है बीजेपी की, उसकी मौजूदगी में, उसकी निगरानी में, उसके नाक के नीचे एक समाज को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे जीनोसाइड। और उनका खुसूर यह है कि वो ट्राइब्स हैं, उनका खुसूर यह है कि वो क्रिश्चियन हैं, उनका खुसूर यह है कि वो नागाज हैं, और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उसमें मेजॉरिटी ईसाइयों की है, उनकी इबादत गाहों को जगा दिया जा रहा है, कई 50,000 लोग कैंपों में हैं, और उसके साथ साथ कई जख्मी हो गए हैं। मैंने एक वीडियो देखा कि दो खवातीन को नंगा करके भगाया जा रहा है। ये वीडियो ऐसा बताया जा रहा है, टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, यानी ऐसे कई हज़ार वीडियो मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर देश के गृह मंत्री की बहन होती, बेटी होती, तो क्या वो बर्दाश्त करते? हमारी भी बेटी और बहन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दिन से इस हैवानियत के ख़िलाफ़ में, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ में, इस दरंदगी के ख़िलाफ़ में, इस नस्लकुशी के ख़िलाफ़ में, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मसले पे बोल रहे हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा है। ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर पे हमला हो जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। मणिपुर में 50,000 लोग बेघर हो गए, औरतों की अस्मत दगी की गई, रेप किया गया, जीनोसाइड कर दिया गया, घरों को जगा दिया गया, चर्चों को जगा दिया गया, अभी तक खामोश बैठे हैं। हमारी मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए और तत्काल मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और हर मांगने वाले को 50,00,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। हुकूमत अपने खर्चे से इन तमाम चर्चेस को बनाए। हमारी मांग है कि जो बेघर है उनको इज्जत से रहकर संरक्षण दिया जाए और जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको कानून के दायरे में लाया जाए। बहरहाल हमने ये निवेदन हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी, ज़िला सदर समीर साजिद बिगडर, हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स वागोरे साहब हैं, गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब हैं, नासिर भी दो, हमारे हिदायत भाई हैं, हमारे वागोरे साहब हैं, ढगे साहब हैं, सबके नाम कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी भाई दिन कॉरपोरेटर से मामला तो आपका ठीक नहीं है। हाँ तो बाकी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमारे फैजान गजवी हैं, अनीस खान हैं, विकास एटके हैं, गुड्डू भाई है हमारे, मतीन भाई है। फिल्म की बात कर रहे थे, वो फिल्म के ऊपर क्या बोलना चाहिए? भारत देश में एक सिस्टम चल पड़ा है, यानी ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदुओं पे जुर्म किया जा रहा है। कश्मीर फिल्म्स और कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, उसमें केरल स्टोरी बनाया ना उन्होंने, उसके माध्यम से गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहुत सारी बातें, पूरी बातें कश्मीर फाइल्स में, केरल स्टोरी में सही नहीं है। ये तो हकीकत मणिपुर में ईसाइयों से क्या किया जा रहा है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जिस तरह से आपने केरल स्टोरीज को मदद की, उसका टैक्स माफ़ किया, आप ही के पास सब लोग मौजूद हैं, उनके ज़रिए मणिपुर पर मणिपुर फाइल्स पिक्चर बनाइए ताकि जनता को मालूम हो सके। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।